गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे, क्या स्टार्ट किया जाए? कुछ न्यूमेरिकल्स लेके जाएं? सर एक बार डेरिवेशन फिर से बता दीजिए सर। कौन सा डेरिवेशन? यस सर। तो कंजर्वेशन कल होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। यस सर। फिर से बता दो। यस सर। ठीक, अभी मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ। हेलो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो बेटा फिर से देख लो इसे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ सिस्टम आर ऑन ए बॉडी, देन इट्स मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज्ड, आई मीन्स रिजर्व्ड। आप ऐसे समझो, सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट आपने लिया ए ऑफ मास M1 moving with velocity U1. Second body B of mass M2 with velocity U2. अब इनमें जब कोलिजन हुआ, दोनों आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद सपोज ए की वेलोसिटी ये हो गई वी वन, और सेकेंड वन जो दूसरा है दिखेगा नहीं, चलो दूसरे वाले को हमने नीचे शो कर दिया। जो B है उसकी वेलोसिटी हो गई सपोज V2, मास तो सेम रहेगा M1 एंड M2। अभी क्या है, हमें मोमेंटम को कंजर्वेशन में दिखाना है। तो मोमेंटम ऑफ A एंड B बिफोर कोलिजन, ये लाइन ऑफ कोलिजन है, कोलिजन दोनों में जो टक्कर हो रहा, कोलिजन से पहले इन दोनों का मोमेंटम देखते हैं। आप इसमें फोर्स निकाल दो। कोलिजन के समय फोर्स ऑन ए
ड्यू टू बी, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे देन ए पे बी का कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इट मीन्स एफ ए बी इज इक्वल मास ऑफ ए एम वन इंटू एक्सेलरेशन इन एम वन, उस पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास और इंटू एक्सेलरेशन, इट मीन्स एम वन इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा, इट्स चेंज इन वेलोसिटी, एम वन का यहां वेलोसिटी यू वन है, यहां वेलोसिटी वी वन है, कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो वी वन माइनस एम वन, वी वन माइनस यू वन। नाउ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, अब देखते हैं इस बी पर ए के कारण कितना फोर्स लगा, इसे आप कहोगे एफ बी ए। अब बी का मास लेंगे, मास ऑफ बी एम टू इंटू एक्सेलरेशन इन एम टू, इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा, एम टू इंटू, अब बी के लिए देखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बिफोर कोलिजन, वी टू माइनस यू टू। अपान टी, एक टर्म बटा यहां छूट रहा है अपान टी। नाउ बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या करेंगे, इफ ए बी इज इक्वल माइनस एफ बी ए, जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही बी ए पे लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, देन इन दोनों को यहां से रखो एम वन इंटू वी वन माइनस यू वन अपान टी इज इक्वल माइनस एम टू वी टू माइनस यू टू अपान टी, टी तो बेटा कैंसिल हो गया, अब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन इज इक्वल माइनस एम टू का मल्टीप्लाई करें, माइनस एम टू वी टू माइनस एम टू वी टू माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस होगा एम टू यू टू, एम टू यू टू, इस एम टू वी टू को लेफ्ट में ला दो
माइनस एम वन यू टू को राइट में ले जाओ, देन एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल ये यू वन है बेटा, यू वन है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। अभी क्या है, आर एच एस को आप एल एच एस बना लो और एल एच एस को आर एच एस बना लो, आर करके एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। इट मीन्स मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम इज इक्वल कोलिजन से बाद का टोटल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम उसका कंजर्व्ड रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। कल भी मैंने इसको डिराइव कराया था, आज भी आपने कहा, मैंने दोबारा फिर से इसको प्रूफ किया। अब आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे इन पर बेटे। क्वेश्चंस देखो, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूमेरिकल, सपोज दैट एक क्वेश्चन हमने यहां कुछ इस तरह से लिया, ए गन ऑफ मास 20 kg fired a bullet of mass 0.25 kg with speed 100 meters per second. Find the recoil velocity of gun. उस गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, कितनी वेलोसिटी से गन आपके पीछे हटेगी, दैट विल बी कैलकुलेटेड। आप उसे कैसे फाइंड आउट करोगे देखते हैं। सपोज दैट ये आपकी गन है,
और इससे एक बुलेट फायर की जाती है, कितनी वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी को आप u1 मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, और ये आपकी गन है। गन कितनी वेलोसिटी से पीछे हटेगा, तो सपोज इसको u2 भी मान सकते थे, मान लो u2, और गन का मास, इसका मास दिया है 20 kg, 20 kg, थोड़ा बड़ा लिखते हैं बेटा, मास 20 kg एंड मास ऑफ बुलेट, और बुलेट का मास है m1 मान लेना इसे 0.25 kg। सॉल्यूशन, लेट रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन इज u2 मीटर पर सेकेंड। हमने मान लिया कि उसकी जो रिक्वायर वेलोसिटी है वो u2 मीटर पर सेकेंड है, इसे हमें फाइंड करना है बाय कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम जब अप्लाई करेंगे देन वी विल गेट मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल मोमेंटम ऑफ बुलेट। जितना बुलेट का मोमेंटम होगा उतना ही गन का भी मोमेंटम होगा। तो गन का मोमेंटम कितना होगा बेटा, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ गन 20 kg इनटू, या यहां पहले आप नोट कर लो m2 इनटू u2 और ये m1 इनटू u1। m2 20 kg, u2 फाइंड आउट करना है, m1 0.25, u1 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, u2 20 से डिवाइड कर दो इसे, 0 हटा के डेसिमल कर लेना, 1.25 मीटर पर सेकेंड। The gun will be recoil, ये गन हमारी इस वेलोसिटी से पीछे साइड में रिक्वायल होगी, पीछे हटेगी। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो इन पर बेस्ड होगा। एक दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह से देखेंगे, चाहो नोट कर लो जल्दी।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एट रेस्ट, वो रेस्ट में है। एक 5 kg की बॉडी जो रेस्ट में है, व्हाट शुड बी अ फोर्स exerted on it which produce which produce a speed of 20 m/s after one second. कह रहा है कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट यानी बॉडी का मास अगर 5 kg गिवन है और वो रेस्ट पोजीशन में है, ये 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 5 kg है, वो रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा, कह रहा है इस पे हम कितना फोर्स अप्लाई करें सो दैट इट अटेन अ स्पीड ऑफ 20 m/s, ताकि आफ्टर 1 second इसकी स्पीड कितनी हो जाए, 20 m/s हो जाए। तो सबसे पहले ये देखा जाए, इसका मास तो गिवन है, अगर हमें एक्सेलरेशन पता हो जाए तो फोर्स को कैलकुलेट कर सकते। अब इसमें बेटा न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तुम सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर गिवेंस, पहले उसे आप नोट करो, गिवेन दैट मास दे रहा है, मास ऑफ दैट बॉडी एम इज इक्वल 5 kg, और क्या गिवन है, एक्चुअली रेस्ट पोजीशन में है, आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल 0, एंड फाइनल वेलोसिटी भी शुड बी 20 m/s, यहां उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 20 m/s, कितने टाइम के बाद, आफ्टर 1 second, 1 second के बाद।
यानी 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम स्मॉल टी इज इक्वल 1 सेकेंड. चलिए निकालते हैं यहां से. सिंस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल, फार्मूला याद हो गए हैं, वी माइनस यू अपॉन टाइम टी. वैल्यू पुट करो इसमें 20, वी की वैल्यू 20 माइनस 0 अपॉन 1, इट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपने एक्सेलरेशन तो निकाल ली, अब यहां से फोर्स निकाल दो. दस रिक्वायर्ड फोर्स कितना फोर्स होगा? एफ इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास कितना गिवन है बेटा? 5 kg इनटू एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया 20, 25 या 100 न्यूटन. इट मीन्स अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑफ दैट बॉडी आफ्टर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड करने के लिए हमें कितने न्यूटन की फोर्स चाहिए? दैट विल बी ऑफ 100 न्यूटन. वो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली आप एक और क्वेश्चन देख सकते हो कुछ ऐसे ही. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से करोगे. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है. इसी तरह का क्वेश्चन मैंने अभी कराया भी है. एक गन ऑफ मास 3 kg, इसको आप खुद करोगे. एक गन ऑफ मास 3 kg फायर्स a bullet of mass, उस bullet का mass भी given है. थर्टी ग्राम
द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड टू मूव थ्रू द बैरल या सीधे लिखिए टेक एंड एक्वायर उसने कितना स्पीड एक्वायर किया एक्वायर वेलोसिटी ऑफ एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 100 meters per second 100 meters per second then find first question the velocity the recoil velocity kahiye recoil velocity of gun and second question the force exerted on gunman the force exerted on gunman due to recoil of the gun due to recoil of gun gun जो हमारी पीछे हटेगी तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी किस पे गन मैन पे इन दोनों क्वेश्चन को आप करेंगे एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं उसे भी नोट कर लो A body of mass ten kg is moving with velocity A force is applied टिल कितने देर तक अप्लाइड रहता है 25 सेकेंड 25 सेकेंड एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ एंड अटेन्स A velocity of
40 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से करना। पहले तो इसमें देखना क्या क्या गिवन है। 10 केजी का एक मास गिवन है, उस पे कोई एक ऐसा फोर्स लगा है जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था, मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। ये फोर्स इज अप्लाइड टिल 25 सेकेंड, 25 सेकेंड्स तक किसी फोर्स को हमने अप्लाई किया, देन इज इट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मीन दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी, एंड 20 मीटर पर सेकेंड इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू। टाइम भी गिवन है 25 सेकेंड। आप चाहो तो इसमें हिंट देख सकते हैं, u की वैल्यू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, स्मॉल v की वैल्यू भी गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी गिवन है 25 सेकेंड, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है m 10 kg।